ए से पहला क्वेश्चन बताइएगा कि फ्लाइंग शिप के नाम से कैसे जाना जाता है। बी से क्वेश्चन बताइएगा दवाल के नाम से कैसे जाना जाता है। दवाल राहुल द्रविड़। ठीक है बताइएगा जैसे पायली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है। ठीक है सोमपेन जनजाति कहाँ निवास करती है। निकोबार द्वीप समूह। इधर से क्वेश्चन बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंग अनुपात कितना। 1037। इधर से बताइएगा रियो शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। रियो 1992 रियो पृथ्वी वाला बोल रहे हैं। ठीक है उसी एक बार ए में देना। हाँ लोग हम लोग ही हैं। अच्छा तो इधर से बताइएगा क्वेश्चन आनंद वन की स्थापना किसने किया था। बाबा राम। ठीक है इधर से क्वेश्चन बताइएगा एशियाई सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स। हाँ 1784 में। 1784 में। इधर से बताइएगा 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश। दक्षिण कोरिया। उधर से क्वेश्चन बताइएगा आनंद भवन की स्थापना किसने किया था। आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है आनंद भवन है बाबा रामदेव। आनंद भवन बाबा। इधर से क्वेश्चन बताइएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को। इधर से बताइएगा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर। 10 दिसंबर। इधर से क्वेश्चन बताइएगा आप लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था। 1987 बोलिए। हाँ भाई। उधर से क्वेश्चन बताइएगा आप लोग क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था। 1997। ठीक है क्योटो जापान। क्योटो जापान में स्थित है। इधर से बताइएगा गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है। गुल ए नगमा। गुल से गज ही नाम उसका। बोलिए बोलिए क्या है। फिराक गोरखपुरी है। फिराक गोरखपुरी सही है। फिराक गोरखपुरी था। फिराक गोरखपुरी गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक है। इधर से क्वेश्चन बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर। 10 जनवरी ना। वो तो भारत का था। 14 हाँ वही होगा। 10 सितंबर अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। इधर से बताएगा अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। आठ सितंबर सही है। शराबबंदी को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। इधर से क्वेश्चन बताइएगा स्कोप का फुल फॉर्म क्या होता है। स्कोप। हाँ स्कोप स्टैंडर्ड बोल रहे पब्लिशिंग इंटरप्राइजिंग पब्लिशिंग इंटरप्राइजिंग पास 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 सामरिक शास्त्र न्यूनीकरण संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। सामरिक शास्त्र न्यूनीकरण संधि किनके बीच हुआ था। अमेरिका रूस के बीच। अमेरिका रूस के बीच। इधर से क्वेश्चन बताइएगा लोसांगुर लोकप्रिय त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। सिक्किम का। सिक्किम। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था। क्या बोले नेक चंद। संघाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। इधर से संघाई मणिपुर। मणिपुर मणिपुर की मेजर मणिपुर। इधर से एशियाई खेलों का आयोजन करने का मुख्य सुझाव किस सम्मेलन में दिया गया। 1947 नई दिल्ली में। 1947 ठीक है।
नहीं 1947 में एशियाई देश का सम्मेलन हुआ था, उसमें दिल्ली में हुआ था। हाँ क्वेश्चन है आपको बताइएगा, इधर से बताइएगा, विश्व का पहला प्लेटिनम अभयारण्य कहाँ पर लगे? प्लेटिपस, सॉरी प्लेटिपस, हाँ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया सही है। इधर इधर से बताइए क्वेश्चन कि विश्व में के सबसे कम उम्र का लेखक कौन है? अभिजीत गुप्ता। ठीक, अभिजीत गुप्ता। इधर से बताइएगा भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ खुला गया? केरल में। इधर से क्वेश्चन बताइएगा भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खुला गया? केरल में। हाँ भाई, केरल। इधर से क्वेश्चन बताइएगा भारत का पहला डॉग पार्क? डॉग चंडीगढ़ सही है। भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत किस राज्य ने किया? गुजरात है क्या? गुजरात। उधर से क्वेश्चन बताइएगा भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ खोला गया? मॉस उत्तराखंड। उत्तराखंड देहरादून नारायणगढ़ में। देहरादून उत्तराखंड। मॉस होला राज्य बताना है, जिला सर, शहर का नाम बताना है। मॉस गार्डन कहाँ? उत्तराखंड देहरादून में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो कहाँ? देहरादून। पानी खेतों में। देहरादून। देहरादून आगे इधर रानी खेत है। उत्तराखंड रानी खेत। रानी खेत बोल रहे हैं आप लोग? नैनीताल। कृषि कानून लागू ना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? भारत का कौन सा ऐसा राज्य जिसकी तीन राजधानियां हैं? भारत का पहला राज्य जो खेल को उद्योग का दर्जा दिया? खेल का उद्योग मिजोरम। हाँ ये है मिजोरम। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? ई कैबिनेट हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सही है। हिमाचल प्रदेश। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा? भुवनेश्वर। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड। इधर से क्वेश्चन बताइएगा भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्ट पार्क कहाँ खोला गया? हल्द्वानी। उत्तराखंड। ट्राई कीजिए मेरे लिए। कर दिया, भूल गए। हाँ बस आसाम। जोगी खोपा। हाँ जोगी खोप आसाम। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्ट पार्क जोगी खोप आसाम। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया? ये हल्द्वानी। क्या भैया? हाँ। क्या उत्तराखंड। उत्तराखंड हल्द्वानी। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? राजस्थान। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य केरल तय करने वाला बन गया भारत का पहला राज्य? लोक सेवा आयोग के परीक्षा केंद्रों में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य? असम। उधर से लास्ट क्वेश्चन बताइएगा विश्व का सबसे कम युद्ध हो गया बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया? राजगीर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। राजगीर शहर है। राजगीर डिस्ट्रिक्ट है।